मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्वास्तिका जस्ट एयर 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अपना नया पासवर्ड सेट करेंगे और कैसे अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये एप्लीकेशन जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस के थ्रू आपको आईडी पासवर्ड आता है। उस आईडी पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना है। तो अब सीधा हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे, यहाँ पे अपना कोड डालेंगे, जो भी आपका कोड होगा। कोड डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटर पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आपके पास आया है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपके पास आया था। इसके बाद न्यू इंटर पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड यहाँ पे नया बनाया है उसको दोबारा री इंटर पासवर्ड करना है। इस पासवर्ड में आपको एक एक लेटर रहेगा, एक अल्फ़ाबेट रहेगा, एक नंबर रहेगा। तो इस तरह से आपको आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक आपको मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन रिसेट, पासवर्ड विल एक्सपायर 90 दिन। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका ये जो पासवर्ड है 90 दिन के अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका आपके होम स्क्रीन पे ये चला जाएगा। ठीक है, ये आपका होम स्क्रीन है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे इसमें अनब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट कोड डालना है। क्लाइंट कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर पासवर्ड मांगेगा, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ। इसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी अकाउंट ब्लॉक का। तो अकाउंट आपको अनब्लॉक करने के लिए आपको इंटर योर यूज़र आईडी डालना पड़ेगा, अपना जो भी आईडी है वो डालेंगे आप। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, जो आपने ईमेल अकाउंट ओपन करते समय दिया था वो आपको ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, यूज़र अनब्लॉक सक्सेसफुली। ओके करेंगे, आपका क्या होगा, फिर से अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जो पासवर्ड आपने पहले बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पासवर्ड डाला, इसके बाद कंटिन्यू में मैंने क्लिक किया, मैंने अपना ईयर ऑफ बर्थ डाला और ये सबमिट कर दिया। आप देखेंगे कि ये अकाउंट दोबारा से ओपन हो गया है। अगर किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप कैसे पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन पे जाएं, आप अपना क्लाइंट कोड डालें। जहाँ पे क्लाइंट कोड डालते हैं वहाँ पे लिखा होता है फॉरगेट क्लाइंट कोड। ओके, तो आपको फॉरगेट क्लाइंट कोड नहीं करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। ओके, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड में आप क्लिक करेंगे। आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू में करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, वन टाइम पासवर्ड सेंड, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड SMS। मतलब मेल पे भी जाएगा आपको पासवर्ड और आपके नंबर पे भी जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे जाता है। ये इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन आता है आपको, ये नंबर पे भी और आपके मेल पे भी आता है। ओके,
तो इस तरह से आप स्वास्थ्य जस्ट 10.2.0 एप्लीकेशन से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट को। अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट अनब्लॉक ब्लॉक हो गया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।